हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया था, जिनमें से 8 श्री कृष्ण की मुख्य पटरानियां थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने एक पुरुष से भी विवाह किया था? आखिर कौन था वो पुरुष जिससे श्री कृष्ण ने विवाह किया? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा समय आ चुका था जिस समय ऐसा लगने लगा था महाभारत युद्ध को जीत पाना संभव नहीं है। उस वक्त नर बलि की मांग उठी। कहा गया, राजपुत्रों में से अगर किसी की बलि दी गई तो ये युद्ध जीता जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन है ऐसा जो अपना बलि देने को सज्ज हो? दोस्तों, उस वक्त अर्जुन और नागकन्या उलूपी का पुत्र इरावन सामने आता है और वो खुद की बलि देने को कहता है। लेकिन दोस्तों, बलि से पहले इरावन अपनी आखिरी इच्छा बताते हुए कहता है अविवाहित नहीं मरना चाहता, वो विवाह करने के बाद ही बलि चढ़ना चाहता है। अब बात ये आती है, जो व्यक्ति मरने वाला हो, कोई भी पिता अपने पुत्री का विवाह आखिर उससे कैसे करवा सकता है? लेकिन दोस्तों, इरावन की अंतिम इच्छा पूर्ण करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। उस वक्त श्री कृष्ण अपनी लीला रचते हुए मोहिनी का रूप धारण करते हैं। मोहिनी रूप में श्री कृष्ण इरावन से विवाह रचाते हैं और दूसरे दिन इरावन ये जानते हुए कि आज के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा, वो युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। इरावन कोई साधारण योद्धा नहीं था। इरावन ने ही शकुनी के 6 पुत्रों का वध किया था। इरावन का वध अलम्बुष के हाथों होता है। इरावन के मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूप में श्री कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा विलाप भी किया था। बाद में श्री कृष्ण मोहिनी रूप से अपने वास्तव रूप में आ जाते हैं। आज भी जो इरावन है उनका पूजा देश के कई क्षेत्रों में होता है। जितने भी किन्नर होते हैं उनका विवाह इरावन के साथ ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।